हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश अख्तर और आप लोग देख रहे हैं दैनिश क्रिएशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट टू ज़ेपलिन। आज हम लोग सीखेंगे कि एडोब एक्सडी से हम लोग ज़ेपलिन में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, हम डेवलपर्स को कैसे हैंड ऑफ देते हैं, डेवलपर ज़ेपलिन से किस तरह से आइकन्स को, इमेजेस को, टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकता है, वो आज हम लोग सब सीखेंगे। ज़ेपलिन को आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़ेपलिन में आप अकाउंट बना सकते हैं, फ्री है अकाउंट बनाना और बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट उसके साथ फ्री आता है। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड करने हैं तो आपको उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि लाइसेंस है कि आपका देखो मंथली भी है, ईयरली भी है, तो आपको भी लाइसेंस है। तो लेकिन अगर फ्री में आप चाहोगे तो आप फ्री में आप एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडोब एक्सडी में जाते हैं वापस। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना के रखा है, इसी डिज़ाइन को मैं ज़ेपलिन में एक्सपोर्ट करूँगा। तो ज़ेपलिन में जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो इस टाइप से स्क्रीन मिलेगी आपको फर्स्ट टाइम। तो आप यहाँ से अपने क्रिएट प्रोजेक्ट करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखोगे लाइक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, iOS है, एंड्रॉयड है, मैक OS है। वेब में क्या होता है, वेब में जो भी डायमेंशन होंगे पिक्सल और परसेंटेज में आएंगे वहाँ पर, और CSS HTML एक्सपोर्ट भी आपको मिलेगा, प्लस PNG SVG में एसेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। iOS के लिए जो डायमेंशन होंगे पॉइंट में होते हैं, ऑब्जेक्ट सी स्विफ्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा, प्लस PNG एंड PDF में एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए हमारे पास जो डायमेंशन है वो DP और SP में रहेगा, XML एक्सपोर्ट है, प्लस PNG एंड SVG एसेट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट द iOS प्रोजेक्ट। यू कैन गिव देयर नेम हियर लाइक iOS। ओके, नाउ माय प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड ऑन ज़ेपलिन। लेट्स गो टू Adobe XD। अब देखो यहाँ पे आपके पास, देखो यहाँ मेरे पास सर्च भी है, टेक्स्ट है मेरे पास एक आइकन है, मेरे पास इमेजेस भी है। तो इसको मैं मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो फर्स्ट सेलेक्ट द आर्टबोर्ड, गो टू फाइल, एक्सपोर्ट एंड ज़ेपलिन। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपने पेड पर्जन खरीद रखा होगा ज़ेपलिन का, तो यहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट दिखाएगा जो आप क्रिएट करोगे। अगर नहीं तो आपको बाई डिफॉल्ट जो फ्री वाला प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ वो पूछ रहा है कि आपका जो आर्टबोर्ड बना हुआ वो आपका 1x में है, 2x में या 3x में है। जब हम लोग XD के अंदर काम करते हैं तो जो हमारे पास आर्टबोर्ड का साइज़ होता है 320, 375, 414, 768, 104, ये 1x कहलाता है। 640, 750, 1536 ये हमारे 2x हो जाते हैं। 1242, 1125 जो हमारे 3x है। तो मैंने जो आर्टबोर्ड अपना बना रखा है अभी, ये आप देखो मेरा 375 का है, जो कि 1x है। ठीक है, तो लेट्स सेलेक्ट द फाइल। नाउ इट विल टेक सम टाइम बिकॉज देयर आर सो मेनी इमेजेस, आइकन्स। ओके, तो इट्स अपलोडेड। लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस। नाउ सी, वंस यू क्लिक ऑन एनी आइकन इट विल शो हियर। ओके, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर द बिट मैप इमेजेस फॉर द PNG एंड PDF। वंस यू क्लिक ऑन इमेज, यू कैन डाउनलोड द इमेज हियर। वंस यू क्लिक ऑन टेक्स्ट, यू कैन कॉपी दिस टेक्स्ट। इवन ही कैन टेल यू द नेम ऑफ द फॉन्ट, द साइज, द अलाइनमेंट, द लाइन हाइट, द कलर कोड, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो डेवलपर्स के लिए काफ़ी इजीली हो जाता है। डेवलपर यहाँ से जाएगा ज़ेपलिन से, वो पिक कर लेगा जो भी उसको कलर कोड चाहिए होगा, कोई भी अलाइनमेंट देखनी है उसको, इमेज डाउनलोड करनी है, वो सब कर सकता है यहाँ से। लेट्स गो अगेन। नाउ अगेन वी कैन गो बैक और इस प्रोजेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट, नाउ बैक टू द
प्रोजेक्ट अगेन, केडा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड, बैक टू iOS, फाइल एक्सपोर्ट ज़ेपलिन, एक्सपोर्ट अगेन, हमारा जो आउटपुट 375 का है तो जो इसके बीच में आएगा, मतलब हम MD पे सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज नाउ, अगेन इट विल टेक सम टाइम, ओके सबलोडेड, लेट्स सी, सी नाउ द डिफरेंस ओनली इज दिस, वंस यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द टेक्स्ट विल शो XML यूट्यूब, जो एंड्रॉयड का कोड है XML आपको यहाँ दिखाएगा वो, और आप इमेज पे क्लिक करोगे तो जो अभी इमेज जो कि फाइव डाउनलोड करेगा, क्योंकि जो है एंड्रॉयड के लिए होते हैं एंड्रॉयड की फाइव इमेजेस होती है, MDPI, HDPI, XDPI, XXX, XXX, ओके, और आइकन में भी सेम रहेगा, ये देखिए, ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी आपका दिखाएगा वो DP में दिखाएगा, लाइक इन iOS शोइंग इन PT, यहाँ भी वो TP में दिखाएगा, वो ये देखें सब DP में दिखाएगा, ठीक है, बाकी आप टेस्ट को सेम वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कलर कोड वगैरह सब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स डिलीट दिस प्रोजेक्ट एंड विल सी द वेब, क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर वेब, नेम इट वेब, वापस जाते हैं, लेट्स अस्यूम ये हमारा वेब का ही है अभी, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं ज़ेपलिन, नाउ अगेन सेम ही आस्किंग 1x 2x, तो हमारा अभी 1x ही है, इट विल टेक अगेन सेम सम टाइम, ओके डन, नाउ सी एवरीथिंग रिमेन सेम, लाइक इमेजेस यू कैन डाउनलोड द इमेजेस, यू कैन क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू कॉपी, बट सी नाउ आपको यहाँ CSS भी मिलेगा, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ आपको CSS कोड भी दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको HTML भी मिलेगा, देखे ये HTML इसका यहाँ पे कोड है HTML का, और ये इसका CSS कोड है, ठीक है, आप टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्प, आप सोचो कि आपको ये ऐप बनाते हो और आप डेवलपर्स को आपको देना है, तो आप सिंपल अगर उसको इमेज प्रोवाइड करोगे तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा, उसको सारा कोड लिखना पड़ेगा, तो ये बेटर है कि आप उसको ज़ेपलिन पे एक्सपोर्ट कर दो तो उसको कोड भी मिल जाएगा, वो इमेजेस भी डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उसको इमेजेस देनी, वो यहाँ से अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकता है जब भी जाएगा वो, तो ज़ेपलिन काफ़ी यूज़फुल है फॉर प्रोडक्शन के जो ऐप बनते हैं और बड़े बड़े जो ऐप बनते हैं उसके लिए, कि ज़ेपलिन काफ़ी काम में रहता है, मैं बहुत ज़ेपलिन को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आई रिकमेंड यू कि आप ज़ेपलिन में थोड़ी प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे समझें, और मैं एक दो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, उसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊँगा मैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट लेके मल्टीपल स्क्रीन के साथ, कि मल्टीपल स्क्रीन अगर मेरे पास होती हैं तो उसको कैसे मैं अटैच कर सकता हूँ मैं, इट्स द सेम प्रोसेस सेम है, बस उसमें बहुत सारे पेज हमारे पास होते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।